दोस्तों इससे कहते हैं YouTube ओवरले वीडियोस। इसके मदद से आप YouTube के बाहर भी वीडियोस चला सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी ऐसे कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं, उसके साथ ये वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसे आप एक्टिवेट करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। तो पहले तो आपको क्रोम पे जाना होगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दीजिए। ये कुछ देर के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें एक ऑप्शन रहता है ये वाला मिनी प्लेयर, पर इसका ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ ब्राउज़र में ही ये वीडियो ओपन होगा ऐसे। अगर इसको हम क्लिक करेंगे ना, सिर्फ ब्राउज़र के अंदर ही बस चलेगा ये। पर मैं जो कह रहा हूँ वो अलग है। देखिए, इसमें सिर्फ ब्राउज़र के अंदर ही ये वीडियो चलेगा, ब्राउज़र के बाहर ये नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर ही बस इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बाहर भी चलाने के लिए, इसके लिए आपको गूगल क्रोम में एक सेटिंग करना होगा। तो इसको फुल करके अभी आपको दिखाते हैं। गूगल क्रोम में आपको ये जो थ्री डॉट्स दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंशन, यहाँ पे जाइए। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, क्रोम वेब एक्सटेंशन। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी एक्सटेंशन, ठीक है। इस पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है PICTURE पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन बाय गूगल, ये वाला, ठीक है। बाय गूगल, गूगल का ऑफिशियल वाला ये है, इसमें कुछ झंझट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर लिया है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है। तो आपको इसे गेट यहाँ पे आएगा तो डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करके इसे सेव कर देना है, इस तरीके से आपका शो करेगा पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन, ये ऑन दिखाएगा, ठीक है। अभी होने के बाद अभी यूट्यूब में कोई भी वीडियो, जैसे कि अभी ये वीडियो चल रहा है ना, अभी इसको हम चलाते हैं एक बार। ये वीडियो को चल रहा है ना, इसी समय पे आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको इस पर क्लिक कर देना है, पिक्चर इन पिक्चर, तब ये ओपन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये वीडियो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप ये एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।